देखें तो सूरत हाल ये है कि आदमी का जो एहतराम होता है ना, उसकी हुक्मरानी होती है दिल पर। इस तरह के जो अवारज होते हैं, इस तरह के जो हादसात होते हैं, ये फानी होते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं होती। हर आदमी को मालूम होता है कि मुफ्ती अब्दुल कबीर का माजी क्या है और जो हमला आवर है उनका माजी क्या है। आज आपने खुद देखा कि एक घंटे से शायद तमाम वो हजरात जो मेरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए थे, सिंध से आए हुए थे, मकामी तौर पर थे, उन्होंने जिस तरह की मोहब्बत का इजहार किया, मैं कह सकता हूँ कि लोग और इंसानियत और बिलखसूस मेरी पाकिस्तानी आवाम समझते हैं कि हक क्या है, हकीकत क्या है, सदाकत क्या है और साजिश क्या है। सर, पिछले दिनों इस्लामाबाद में हरीम शाह पे तशद्दुद हुआ, इस हवाले से क्या कहेंगे? वो तो मैंने पहले कह दिया था कि मैंने इसका मामला अल्लाह के सपोर्ट किया है और अल्लाह जरा गालिब भी हैं, इंतकाम लेने वाले हैं। जो कुछ उस बेचारी के साथ हुआ है, अब माफ़ी की जनाब तसलसल के साथ जनाब रबते भी जारी हैं, लेकिन मैंने कहा है कि आपका मामला अल्लाह के सपोर्ट। और ये भी बता दीजिए कि जब ये मामला हुआ तो फिर घर वालों ने ये कहा कि आपको कुछ अरसे के लिए घर में ही रखा गया है, अब आप नज़र आए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ, बिल्कुल सही हुआ। हुआ ये कि जनाब जिस वक्त मैं वापस आया ना, तो मुझे ज़हनी तौर के ऊपर कुछ मामलात ऐसे थे जिसमें मेरी नींद का पूरा होना, खलवत में रहना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस खलवत के दिनों के अंदर भी मैंने जदीद फिकी मसाइल के हवाले से 51 मौजूआत का तयन किया। और अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे ही जनाब मेरी अफसर गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, इंशाअल्लाह हर 3 से 4 महीने के बाद एक इल्मी और तहक़ीकी रिसाला इंशाअल्लाह उलमा की खिदमत में भी पेश करेंगे और आवाम की खिदमत में भी पेश करेंगे। स्कैंडल्स जो आते हैं, नेक्स्ट टाइम क्या आप मतलब इसे परहेज़ करेंगे, मतलब मुलाकातों से ही? देखिए, बात यह है कि उसके लिए कुरान ने कहा है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान, कि अल्लाह की नुसरत होगी और शैतान से दूर रहने की कोशिश करेंगे और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारी नुसरत फरमाएंगे और हम इस तरह की शैतानत से महफूज रहेंगे।